Assalamu alaikum, here is Mani from e-learning point. Today's my video is about first year's commerce subject business mathematics chapter 4 functions and their graphs. So let's start. Question number 4.81 is find the equation of straight line passing through the point 14, 10 and 11, 6. Question number 4.81 के 2 पार्ट्स हैं ए एंड बी. सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन. गिवन है हमारे पास एक्स वन हमारे पास है 14, वाई वन हमारे पास है 10, एक्स टू हमारे पास है 11, वाई टू हमारे पास है 6. ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारा x होगा और जो सेकंड होगी वो हमारे पास y होगी. सो दो ब्रैकेट्स गिवन है. सो हमने x1, y1, x2, y2 नेम दे दिए ने. अब पुटिंग वैल्यू करेंगे फॉर्मूले में. y माइनस y1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 10 है इज इक्वल टू 6 माइनस 10 अपॉन 11 माइनस 14 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 14 से. y माइनस 10 इज इक्वल टू 6 में से माइनस किया 10 को तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 और डिवाइड में हमारे पास 11 माइनस 14 तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 क्योंकि 14 11 से बड़ा है. तो जिसका साइन यानी कि जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइन आती है. सो 14 बिगर है सो 14 का साइन आएगा जो कि है माइनस. मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 14 से. y माइनस 10 अपॉन 1. अब y माइनस 10 के नीचे 1 गिवन होता है लेकिन शो नहीं होता. सो हम इसके नीचे 1 लगाएंगे इज इक्वल टू. सो अब यहाँ पर माइनस 4 है और अपॉन में भी माइनस 3 है. माइनस माइनस आपस में कट हो जाएंगे सो ये आ जाएगा ओनली 4. अब ये 4 जो है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. 4x ज़ा 4x एंड 4 14 ज़ा इज इक्वल टू 56. अब 4 तो पॉजिटिव का है लेकिन माइनस 14 है. प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस का 56 लिखेंगे एंड डिवाइड में 3 आएगा. सो यहाँ पर अपॉन में 3 है एंड y माइनस 10 अपॉन 1 है. सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेडिंग देंगे 3 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 10 से एंड 1 मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 56 से. सो 3y ज़ा 3y माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा. सो 3 10 30 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा 4x माइनस 56. 3y एज इट इज़ आ जाएगा. माइनस 30 इज इक्वल टू कि दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा. सो माइनस 30 है जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस 30 में चेंज हो जाएगा. सो 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 56 प्लस 30. 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 56 प्लस 30. साइन माइनस का रहेगा और ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे. सो ये आ जाएगा हमारे पास 26. 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 26. सो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर ली. अब हम इसी इक्वेशन की हेल्प से सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे. बी पार्ट है हमारे पास फाइंड द y इंटरसेप्ट एंड द स्लोप ऑफ द अबव इक्वेशन. जो हमने अबव इक्वेशन जो हमने फाइंड की थी उसी से ये सवाल सॉल्व करेंगे. उसका y इंटरसेप्ट एंड स्लोप को हम फाइंड करेंगे. सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इक्वेशन जो हमने फाइंड की थी 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 26. डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स करेंगे क्योंकि y के साथ 3 है. सो 3 को फिनिश करने के लिए डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स करेंगे. 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 4x अपॉन 3 माइनस 26 अपॉन 3. 3 से 3 कट हो जाएंगे सो y आ जाएगा. y इज इक्वल टू 4 अपॉन 3x माइनस 26 अपॉन 3. हैंस स्लोप इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 3. Thanks for watching. Kindly subscribe and like my channel.